Alright, so good evening everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is Andesh Shawat back with a new video and you're watching Imperial Rider. So guys, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे. इन फैक्ट हम मज़े में हैं. सो एक और नई टॉपिक पे वीडियो आ चुकी है, वाई आई चूज अपाचे आर टी आर 164V BS6. सो गाइज, हमने अपाची ही क्यों चुनी आज इस पर बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत थे बट हमने इसी को क्यों चुना. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले जब आप कोई भी बाइक खरीदते हो, सबसे पहले आता है उसका बजट. तो मेरा बजट था 1.45 लाख और मेरे को इसी के अंडर कोई भी बाइक ढूंढनी थी. और इसके अंदर मेरे दिमाग में बस तीन ही बाइक थी और वो थी कि अपाचे 164V BS6, NS 160 और FZ 150 FI. और अब ये तीनों ही बाइक अपने अपने प्राइस सेगमेंट में बहुत धमाकेदार है. अब मेरे को इन तीनों में से चूज़ करना था कि यार मैं पहली वाली को लूँ, दूसरी वाली को लूँ या फिर तीसरी वाली को लूँ. तो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों बाइकों को आपस में कंपेयर किया और जो रिजल्ट आया मैंने उसे परचेज कर लिया. सो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो मुझे अपनी बाइक में चाहिए थी वो थे इसके लुक्स. और अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो इन तीनों बाइकों में सबसे ज़्यादा लुक्स चेंज हुए हैं FZ के और अपाची के. NS में बिल्कुल नहीं हुए हैं, बस उसके ग्राफिक चेंज हुए हैं. सो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो FZ थोड़ा बल्की सी थी और मुझे बल्की बाइक बिल्कुल पसंद नहीं है. और मुझे चाहिए था एक स्पोर्टी लुक अग्रेसिव डिज़ाइन के साथ. सो गाइज, मैंने इसे यहाँ पे प्लस पॉइंट दे दिया लुक्स के मामले में. सो गाइज, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं अगर बात करूँ तो वो है पावर. और आपको पता ही होगा कि अपाचे 160 में 16.2 की पावर है और 14.12 न्यूटन मीटर का टॉर्क. और NS की मैं अगर बात करूँ तो NS में 17.2 की पावर है और 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क. FZ में 12.2 की पावर है और 13.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क. सबसे कम पावर जो है वो FZ में थी और सबसे ज़्यादा पावर NS में थी. वो बात अलग है कि अब अपाचे में पावर बढ़ चुकी है, लेकिन उस टाइम तक एक की पावर कम थी. सो मैंने यहाँ पे NS को प्लस पॉइंट दे दिया क्योंकि उसकी पावर सबसे ज़्यादा है. गाइस, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि लाइट. और अगर मैं इन तीनों बाइकों को आपस में कंपेयर करूँ तो NS में तो हेलोजन लाइट है, आपको पता है, और FZ और अपाचे में LED लाइट है. और अगर मैं LED और हेलोजन को कंपेयर करूँ तो LED की लाइट हेलोजन से बहुत ज़्यादा शार्प है, आपको दूर दूर तक का बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेगा. LED की विजिबिलिटी हेलोजन से बहुत ज़्यादा है. और अगर मैं LED की बात करूँ तो LED लाइट के साथ साथ FZ का लुक उतना ख़ास मुझे जमा नहीं, बट अपाचे DRL लुक के साथ बवाल मचा रही थी. तो मैंने बिना सोचे समझे इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया क्योंकि ये LED लुक के साथ साथ DRL फुल पैसा वसूल. गाइस, फोर्थ चीज़ जो आती है वो है कंफर्ट. और अब बाइक आनी थी तो आपको पता ही है लॉन्ग राइड्स भी बिल्कुल होने थे और इस मामले में कंफर्ट तो भाई बहुत ज़रूरी चीज़ है. और कंफर्ट की मैं अगर बात करूँ तो अपाचे में बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, चाहे वो राइडर सीट हो चाहे वो पिलियन सीट हो. और दूसरी तरफ FZ में भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट है. बट अगर मैं इस तरफ देखूँ NS को तो NS में कंफर्ट बिल्कुल नहीं है, चाहे वो राइडर सीट हो चाहे वो पिलियन सीट हो. उसकी सीट बहुत ज़्यादा हार्ड है, कुछ किलोमीटर में ही आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगेगी. राइडर को तो उतना नहीं बट पिलियन कसम से बहुत हार्ड है, मैंने चलाई हुई है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको. सो FZ और अपाचे में कंफर्टेबल सीट थी और इन दोनों में से कंपेयर करना बहुत टफ था. सो FZ की सीट अगर आप गौर करोगे तो उसकी राइडर और पिलियन सीट थोड़ा सा इक्वल है. वो फैमिली के लिए बहुत अच्छी बाइक है क्योंकि उसकी सीट इक्वल है और फैमिली में वही होता है ना, ज़्यादा लोग होते हैं तो इजीली आ जाता है. बट हमें तो भाई लॉन्डो वंडो को क्या चाहिए, यही तो चाहिए. जब आप राइड करते हो तो थोड़ा सा अग्रेसिव लुक, ये पीछे पिलियन ओ पंखे पे, बोले तो थोड़ी सी हाइट तो हमें भी चाहिए थी. अब KTM हम नहीं ले पाए लेकिन थोड़ी सी हाइट तो हम ले ही सकते हैं. सो गाइज, ये दोनों बाइक कंफर्टेबल थी बट मैंने प्लस पॉइंट दिया अपाचे को. सो गाइज, फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है माइलेज. और अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो FZ कंपनी क्लेम करती है 49 KMPL का माइलेज, NS की कंपनी क्लेम करती है कि 40 का माइलेज. और अपाचे का मैंने खुद माइलेज टेस्ट किया हुआ है तो इसने मुझे 50 KMPL का माइलेज दिया था. बट मुझे लगता है कि ये 53 या फिर शायद उससे भी ज़्यादा दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है. तो आप बाइक लो और उसमें इतना ज़्यादा माइलेज हो तो चार चांद लग जाते हैं. गाइस, इसी बात पे अपाचे को मिला एक और प्लस पॉइंट.
गाइस लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की मैं अगर बात करूँ बिल्ड क्वालिटी प्लस हैंडलिंग, तो मेरा ही मानना है, पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने टेस्ट भी किया हुआ है कि NS की बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो इससे मैंने इस लिस्ट से ही हटा दिया और मेरे पास अब बस दो ऑप्शन थे, अपाची और FC. सो मैंने इन दोनों में से अपाची 160 को चुना, क्योंकि इसमें इन सारे फीचर्स के अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, चाहे वो सिल्वर क्लच हो, चाहे वो डुअल बैरल एग्जॉस्ट हो, और इतने सारे फीचर्स को देख के मुझसे रुका नहीं गया और मैं इस हसीन दिलरुबा को शोरूम से घर ले आया। सब चीज़ें होती हैं जो आप अपनी नई बाइक को लेने से पहले चेकआउट करते हो, तो जो सारी चीज़ें थी मैंने बता दी। और जो दुल्हन सर्वगुण संपन्न हो उसे अपने घर लाने से कौन हिचकिचाएगा, कोई भी नहीं। सो जाओ परचेज करो, किस बात का वेट कर रहे हो, DG ऑलवेज रॉक्स। सो गाइस वीडियो इसी पे बेस थी कि वाई आई चूज अपाची 164 वी BS6। सो आप में से सबको आंसर मिल गया होगा कि मैंने इसे क्यों परचेज किया। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। रात बहुत हो चुकी है, मतलब होने वाली है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ, राइड सेफ।